हाँ देखिए, कुछ खास तस्वीरों के लिए आपके लिए कुछ खास मिठाइयाँ लेकर आए हैं। गुलाब जामुन, लिमचा। अगर इसकी बात करेंगे तो अगर आप हजारीबाग के हैं और हजारीबाग से कभी वास्ता आपका रहा है तो आपके जहन में जो सबसे पहले जगह आएगा वो टाटी झरिया आएगा। आपको बता दें हम टाटी झरिया में हैं और टाटी झरिया पाएंगे तो आपको लाइन से बहुत सारी दुकानें दिखेंगी। श्री प्रधान, 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 मतलब 6-7-8 दुकानें दिख जाएंगी। अभी हम एक खास दुकान में आपको लेकर जाने वाले हैं। प्रधान के बीच में एक पंडित जी हैं, श्री पंडित जी, दिखाइए बोर्ड दिखाइए। और इनका दावा है कि ये सबसे पुराना होटल है। हम इनसे जानेंगे, भैया दावा तो सब कोई करेगा, ये काहे कर रहे हैं कि इनका जो होटल है वो सबसे पुराना है और सबसे लजीज है। और कहना इनका ये है कि यहाँ देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसका स्वाद चख चुके हैं। वो हम इनसे जानेंगे कि कैसे चखे हैं, कब आए थे और किस तरीके से वो बात हुई थी। ये भी पता चला है कि लालू प्रसाद यादव भी यहाँ आकर 10 kg लिमचा या गुलाब जामुन जो भी आप कहते हैं वो यहाँ ले जाकर यहाँ आकर ले जा चुके हैं वो। अब ये भी जानना जरूरी है कि भैया इसको कुछ लोग लिमचा काहे कहते हैं, इनसे पूछेंगे, संचालक हैं दुकान के। देखिए श्री पंडित जी, नाम याद रखिएगा, हम कोई प्रचार वरचार नहीं कर रहे हैं आपको, हम सीधा ये बताना चाहेंगे। बहुत सारी दुकानें हैं, जहां मौका मिलेगा उनको भी दिखाएंगे। ये दावा कर रहे हैं कि इनका सबसे पुराना दुकान है, ये कहते हैं कि 120 साल पुराना है, 120 साल पुराना। हम इनसे बात करेंगे और आपको वो भी दिखाएंगे कि इनका गुलाब जामुन इतना खास का है। अंदर में गुलाब जामुन बन रहा है, बन रहा है सर, बन रहा है। घी में बनाते हैं, घी में बनाते हैं, घी में बनाते हैं, घी में बनाते हैं। क्या है खास गुलाब जामुन आपका, सबसे अलग का है? अलग इसलिए है कि मैं घी में बनाता हूँ, इसलिए अलग है। दावा आप ठोक रहे हैं 120 साल वाला? हाँ, 120 साल हो चुकी है, हमारे दादाजी के समय से। इधर देखिए, ये हमारे दादाजी के निकाला हुआ है गुलाब जामुन। इसके पहले यहाँ कोई होटल नहीं था। उनका कहाँ था होटल आपका? पहले था थाना गेट के सामने, पंडित जी होटल, इकलौता होटल था वो। इकलौता होटल था, एक ही होटल था, एक ही होटल, पंडित जी नाम से, पंडित जी नाम से। और बाकी बाकी लोग वहाँ नहीं थे, बाद में मतलब 10-20 साल बाद फिर एक आध को झोपड़ी बना इस तरह। चलिए अंदर दिखाइए, अंदर जब नहीं दिखाएंगे लोगों को मजा नहीं आएगा। देखिए ये दुकान, देखिए क्या इधर से ही रास्ता है, इधर से लेके चलिए। ये देखिए इनका काउंटर है, आप देखेंगे सारे दुकान है, वो देखेंगे सबका कलर एक जैसा कहे रहता है। कलर इसलिए कि एक देखा से कि सबका बनाते हैं कि जिसमें लोग कंफ्यूजन में पड़े कि हम किस होटल में जाए। हाँ हाँ, और सही जगह पे आ नहीं पाते हैं तो कहे कंफ्यूजन रखे हैं इतना। हम नहीं रखे ना, अगला लोग हमारे डुप्लीकेट कर रहे हैं, डुप्लीकेट कर रहे हैं। आपका कलर क्या है? आपका भी वही है, सबका सेम कलर है। आइए दिखाइए हमको, ये बताइए कि आपका बनता कैसे, कैसे तैयार होता है आपका? बन रहा है ना? हाँ बन रहा है। आइए दिखाइए, आइए चलिए, आइए आइए भाई, इनका देखते हैं लिमचा गुलाब जामुन जिसको कहते हैं वो किस तरीके से तैयार होता है। श्री पंडित जी होटल है ना आपका? हाँ, श्री पंडित जी होटल। ये आपका रसगुल्ला है, ये रसगुल्ला जो फेमस है यहाँ का वो हमको देखना है। ये गुलाब जामुन तैयार हो रहा है, तैयार हो रहा है, दिखाइए गुलाब जामुन तैयार हो रहा है। जूम नहीं करना उसको, जूमे है वो। क्या हो रहा है इसमें, ये समझाइए थोड़ा। ये खोवा, पहला प्रोसेस वहां से शुरू करिए, वहां से शुरू हो रहा है ना। हाँ। ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ये बताइए क्या है? ये हो रहा है कि खोवा और मैदे को खोल का मिला करके इसको साना जाता है। हिला रहा हाथ ज्यादा, खोवा और मैदा है उसमें? हाँ, खोवा और मैदा है। ठीक है, उसके बाद उसको मथने के बाद इसको लूटी काटा जा रहा है, उसके बाद गुलाब जामुन, इलायची पड़ती है, उसके बाद घी में छाना जाता है। क्या बता रहे थे आप? मैदा कम रहता है, खोवा जास्ती रहता है इसमें, खोवा ज्यादा रहता है। फिर उसके बाद क्या करें? उसके बाद मिलावट करते हैं, मैदा रहती फेंटते हैं खूब, फेंट करके उसके बाद थोड़ा डालते हैं, इलायची डालते हैं, उसके बाद में भूसी काटते हैं, भूसी काटने के बाद में देखिए लंबा हो रहा है खोवा है। हाँ, कितना खोवा का खपत है आपका? वही लगभग 15 kg डेली का, डेली। तो आप क्लेम कर रहे हैं तो अगला भी तो क्लेम करेगा कि आपका पुराना है। ऐसे है कि देखिए, हाँ, यहाँ के सारे पब्लिक जानते हैं कि यहाँ सबसे पुराना होटल किसका है। हमारे यहाँ जब होटल खुली थी उस समय
हमारे दादाजी थे, उनका नाम था श्री वासुदेव चौधरी, वो स्वर्गवास हो गए। उनके बाद उनके लड़के आए विपिन बिहारी चौधरी, उनका भी स्वर्गवास हो गया। अभी हम लोगों की पीढ़ी आई है। चलिए हम आपसे बात करेंगे, छन्नी से इसको उठा के दिखाइए, तो छन्नी रखे हैं यहाँ पर, दिखाइए, उठा के दिखाइए। क्या मतलब पता चलता है कि फ्रेश है और एक अलग है, कैसे पता चलता है इसको? यही सबका तो यही कलर, सब कुछ यही दिखता है, सब यही कलर है, लेकिन घी में बनाते हैं सिर्फ एकमात्र पंडित जी। घी में बनाते हैं? घी में बनाते हैं। कितना तैयार हो जाता है पीस के हिसाब से बोलेंगे तो एक दिन का? एक दिन में वही लगभग 1000 पीस। हाँ, 1000 से ज्यादा ही होता है। ये आपका किचन है? हाँ, ये डेली का प्रोसेस है? डेली। कितना दिन ये रहेगा? ये 10 दिन तक आपका खराब नहीं होगा। 10 दिन तक खराब नहीं होगा? नहीं। 10 दिन तक कैसे बचा रह जाता है ये? फ्रिज में रखिए या ना रखिए? हाँ। इसलिए कि मैदे खोवे का अंश है ना, और मेन है कि खेना का अंश इसमें नहीं रहता है। तो ये माल आपका तैयार है? माल तैयार हो चुका है। चलिए, अब खास बात हम लोग आगे करेंगे और आपसे ये जानेंगे कि यहाँ कौन कौन बड़े लोग आकर खा कर गए। जैसे आप बता रहे हैं कि सबसे पुराना आपका होटल है, तो लाजमी है कि बहुत सारे लोग आए होंगे खाने के लिए। अच्छा, व्यवस्था आप एसी वैसी का भी दे रखे हैं? एसी अभी नहीं लगाए हैं, लगाने वाले हैं। हाँ। अच्छा, हमको ये बताइए सर, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है, उनके बारे में भी सुने, स्वर्गीय जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, पीएम जो रहे हैं। हाँ। और पंडित नेहरू जी। हाँ। इधर देखिए, पंडित नेहरू जी वो भी इसका स्वाद चख चुके हैं। हाँ, स्वाद चख चुके हैं। कहानी बताइए। ये लोग आ रहे थे पंडित जी का बताइए। हाँ, जवाहरलाल नेहरू जी पुना डैम में ओपनिंग करने के लिए। अच्छा, ये डैम का। हाँ, उस समय हमारे होटल पे रुक करके गुलाब जामुन और पेड़ा खा करके और यहाँ से गए। उनके साथ बहुत लोग थे। अच्छा, और पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जी के बारे में बताया। हाँ, जवाहरलाल नेहरू जी। और क्या कहानी है? और उसके बाद लालू प्रसाद जी आए हुए थे। हाँ। उनके लिए मंच बनी हुई थी। अच्छा, यहाँ चुनाव सभा में आए तो सबसे पहले गुलाब जामुन का ही नाम लिए। अच्छा। हाँ, उन्होंने बोला कि मैं असली जगह पे आया हूँ गुलाब जामुन के एरिया में, और यहाँ से फिर भाषण देने के बाद गुलाब जामुन लेकर के गए। कितना गुलाब जामुन लेके गए थे? 10 किलो। बोले इतना बढ़िया लगा? हाँ, इतना बढ़िया लगा। और आईएल से भी, आईएल में कोई अफसर आए हुए थे, वो भी हेलीकॉप्टर आया हुआ था। हेलीकॉप्टर भी 5 किलो पेड़ा और 5 किलो गुलाब जामुन लेकर के यहाँ से फिर गोमिया आईएल गए थे। दूर से दिखाओ ना, दूर से सटाओ। और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बता रहे थे। हाँ। वो भी स्वाद। हाँ, हजारीबाग गया हुआ था। कहाँ से? पार्सल। यहाँ से गया था? पार्सल गया था। कहाँ गया था? रांची। हजारीबाग आए हुए थे तब गया था। हाँ, हजारीबाग आए थे तब गया था। लोग जो बदलाव नहीं होगा? अब बदलाव होगा भी नहीं। बहुत महंगाई का कितना मार है आप लोग? महंगाई का तो बहुत मार है। कितना रेट आपको याद है, कितना में शुरू किए थे? उस समय हमारे गुलाब जामुन बिक रहा था 25 पैसे पीस। कब का बात है ये? 25 बिक रहा था उस समय, लगभग हमको लगता है कि 75 में। अभी कैसे है? अभी तो घी का गुलाब जामुन जो है 20 रुपए पीस है। पीस है 20 रुपए। और क्या पैकिंग? पैकिंग हो रहा है? पैकिंग हो रहा है। दिखाई पैकिंग हो रहा है? देखिए, एक भाई तो पैकिंग होता है, आधा के जी का है। व्यवस्था पूरा टाइट रखे हैं आप? हाँ सर, व्यवस्था टोटल है सर। पुराना कौन? सबसे पुराना पंडित जी होटल है। कैसे? स्टार्टिंग इनका पापा किए थे सर। ये तीसरा पीढ़ी चल रहा है इनका। तीसरा पीढ़ी। कहाँ था दुकान? आगे था सर। आप कब से काम कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर 6 साल हो गए थे। 6 साल लेकिन घर मकान यहीं पर है हम लोग। आप लोगों को पता है कि यही पुराना है? यही हम लोग मकान है यहीं पर है। सारा कलर और सारा नाम एक का है सर? देखिए, जब पंडित जी चालू किए तो देखा सीखी से सब लोग एक ही बोर्ड बनाए हैं। पंडित जी नाम रखना चाहिए था सबको। पंडित जी इसलिए कि पंडित जी एक ही है और प्रधान सब अलग अलग। सब अलग अलग सब अलग अलग
तो ये दावा ठोकते हैं आप लोग सबसे पुराना है ये हम लोग चालू ही किया है तो इन्हीं का घर से चालू हो पंडित जी नहीं लगाते नहीं लगेगा आपका बोर्ड हमारी बोर्ड कोई नहीं लगाएगा इसलिए कि पंडित जी होटल का मेरा लाइसेंस भी है है ना लाइसेंस भी है लाइसेंस भी है तो आप बता रहे हैं कि यहाँ से आगे थाना जहाँ पर थाना है हाँ, वहीं पर था हाँ वहीं पहले था आप भी खाते हैं हाँ आपको कैसा खुद लगता है अरे हम नहीं खाएंगे तो फिर मैं अपने ग्राहकों को कैसे खिलाऊं तो टेस्ट करते हैं टेस्ट कर लेते हैं टेस्ट कर लेते हैं हाँ कभी लगता है कि स्वाद में दिक्कत है तो क्या करते हैं वैसा दिक्कत आता है तो वो माल को हम लोग रिपोर्ट कर देते हैं कारीगर कहाँ के कारीगर यही लोकल है लोकल है हाँ मनेजर साहब है हाँ मनेजर साहब है आइए मनेजर साहब इधर आइए बुलाइए उनको कौन है आइए इधर बाहर आइए अच्छा आपका गुलाब जामुन बढ़िया का है बाकी का तो हम नहीं पूछेंगे आपका का है बढ़िया सर हम लोग प्योर घी से बनाते हैं खोआ हम लोग का अपना रहता है बाहर का कोई सामान हम लोग नहीं यूज करते हैं खोआ भी आपका खोआ अपना दूध आती है उस खोआ में रहता है उसी से हम लोग कोई चीज़ बाहर का यूज नहीं करते हैं प्योर घी से बनता है आपका ओरिजिनल है ओरिजिनल है पुराना है सबसे सबसे पुराना है ये दावा का है ठोक रहे हैं ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं सबसे ना कि बहुत सारे लोग सब दावा करेंगे सबसे पुराना उन्हीं का आपका कहे सबसे तो ये दुकान बहुत पुराना है 70 साल हो गया दुकान अभी जो मालिक चला रहे हैं इनके दादाजी शुरू किए थे दादाजी झोपड़ी हुआ कितने बजे से कितने बजे तक खुलता है ये दुकान 24 घंटा खुले रहते सर 1 साल से 24 घंटा रहते हैं और 24 घंटा ग्राहक आता है हाँ 24 घंटा रात में भी आते हैं रात में भी आते हैं हाँ अच्छा हमको ये बताइए ये जो लेमचा जो है और ये जो गुलाब जामुन है लेमचा भी लोग कहते हैं गुलाब जामुन भी बोलते हैं लेमचा का क्या चक्कर है लेमचा इसलिए बोलते हैं कि बंगाली जो फैमिली आते हैं वो लोग लेमचा ही बोलते हैं और बाकी लोग जो आते हैं वो गुलाब जामुन बोलते हैं मतलब ये बंगाली लेमचा बंगाली ये बंगाली लोग ज्यादा आता है बंगाली मिठाई है ये हाँ बंगाली मिठाई है हाँ आप ही देख रहे हैं अभी हाँ आप ही देख रहे हैं देख रहे हैं तो हजारीबाग में भी खोलने का विचार है ना हजारीबाग तो अभी नहीं खोलेंगे यही नहीं है तो हजारीबाग क्या जाए हजारीबाग जाने से ये क्वालिटी वहाँ नहीं बनती नहीं बनेगी नहीं बनेगा पानी का असर है सबसे खास ध्यान किस चीज़ पर रखते हैं आप लोग हम लोग सबसे ज़्यादा गुलाब जामुन पर उसमें क्या मेंटेन करना पड़ता है मेंटेन यही कि अगर खोआ पुराना हो गया तो उसको फेंक देना पड़ता है ताज़ा खोआ का बनाते हैं देखिए आप टाटीझरिया के श्री पंडित जी होटल से देख रहे हो तस्वीरें जिसमें हम गुलाब जामुन लिमचा के बारे में बात कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियाँ आकर इसका स्वाद चख चुकी हैं इसका स्वाद ले चुके हैं जिसमें नाम आप जोड़ लीजिए स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी का स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का लालू प्रसाद यादव जी और बड़ी हस्तियां भी यहाँ कर बहुत सारी हस्तियां यहाँ पर आकर सवाल ले चुकी हैं और इनका कहना है इनका दावा है कि सबसे पुराना और असली और नकली तो नहीं बोलेंगे लेकिन असली होने का दावा यही करते हैं कि मेरा सबसे पुराना इससे पहले ये दावा कर रहे हैं कि इनका होटल जो था झोपड़ी जैसा था थाना गेट के सामने और अभी जमीन सरकारी जमीन पर और अभी जो है आप देख रहे हैं लाइन पर आपको 5-6-7 एक ही कलर में होटल दिखेंगे अगर रास्ते से आप गुजर रहे हैं अगर एक ही कलर का होटल दिखने लगे तो समझिएगा कि टाटीझरिया आप आ गए वही मतलब है गुलाब जामुन की नगरी में आप आ गए हैं लाइन से आपको दिखेगा और गाड़ियां लगी हुई आपको दिखेगी 2400 घंटा कुछ ना कुछ गाड़ियां दिख ही जाएगी कभी आइए तो स्वाद चक्कर बताइए या फिर स्वाद आपने चखा है तो वो भी बताइए कि आपको कैसा लगता है टाटीझरिया का गुलाब जामुन मैं कुणाल सिंह ये देखिए ये तैयार है और दिन भर 24 घंटे ये लगातार इसी तरीके से सेल गुलाब जामुन का होता रहता है और कहानी इसलिए भी लिमचा की है क्योंकि यहाँ पर बंगाली फैमिली भी आया करती थी और ये बंगाल का एक तरीके का मिठाई है शायद कहाँ का मिठाई इनको निकाला हुआ उनका नाम हुआ श्री वासुदेव चौधरी वही होटल स्टार्टिंग किए थे अच्छा और उन्हीं का निकाला हुआ अपना प्रोजेक्ट अपना समझ के निकाला हुआ है गुलाब चलिए मैं कुणाल सिंह आप भी कुछ बातें अगर जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ दीजिए गुलाब जामुन आपको कैसा लगता है मिठास इसकी कैसी लगती है वो भी आप बता सकते हैं बाकी टाटीझरिया से खास तस्वीरें आपको दिखा रहे थे श्री पंडित जी होटल में है पीछे जो सबसे खास मिठाई है गुलाब जामुन तैयार रहते हैं एनी टाइम पैकिंग के लिए क्या उधर भी तैयार है देखिए तैयार है सब कुछ तैयार है कभी आइए तो खाकर भी बताइए और आपने खाया है तो वो भी बताइए कि आपको कैसा लगता है सवाल असली और नकली का इसलिए नहीं करेंगे
क्योंकि दावा सब ठोक देंगे। बाकी ये जो कह रहे थे इनकी बात हम आप तक पहुंचा रहे थे। मैं कुणाल सिंह, मिलूंगा फिर।